फाइनल नंबर 4, ये आपकी स्क्रीन पर, डेट कैप्टन दामले प्रशाला बनाम MES बॉयज हाई स्कूल। हम तैयार हैं क्वार्टर फाइनल नंबर 4 के लिए। दूसरों के घर में जाके धुना बांधने का काम करते हैं और मेरे पापा पेंटर हैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता वो जब बर्तन घसते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत मेहनत करके मैं एक कबड्डी प्लेयर भी बनूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो राजा जैसे बैठेंगे घर पे। मेरा ये सपना है कि उन्हें सिर्फ खुश रखूं, मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी खुशी चाहिए बस। मेहनत करके मैं प्रदीप नरवाल जैसा कबड्डी प्लेयर बन सकता हूँ। हम देंगे छोटी हाइट पे बड़ी फाइट। जय बंगा। कबड्डी हमारा एक भारतीय खेल है, तो कबड्डी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खेल है, जो बच्चे अपने दिल से दिमाग से खेलते हैं। कबड्डी जूनियर मतलब बच्चे जब अभी स्कूल में कबड्डी जूनियर खेल रहे हैं तो आगे उनका भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आगे प्रो कबड्डी में खेल सकते हैं। एंड नाउ प्रिपेयर टू वॉच द टीम्स इन एक्शन टू मेक देयर मार्क इन द सेकंड सेमीफाइनल्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द जूनियर्स फ्रॉम लेट कैप्टन शिवरामबन प्रशाला। कबड्डी के इस खेल को ये बच्चे एक अलग लेवल पर ले आए। जज्बा भी है, मासूमियत भी है, और आग भी है, और सपोर्ट भी है। छोटी हाइट बड़ी फाइट, और इसको ये फ्लेवर के तौर पर ले रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं अगर खेल को आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे। मेरा नाम पदमजीत शरावत है और मेरे साथ पंकज है। पंकज, तैयार है हम क्वार्टर फाइनल नंबर 4? बिल्कुल। और क्वार्टर फाइनल्स 4 की पहली टीम लेट कैप्टन शिवराम पंत दामले प्रशाला, और ये स्कूल जानी जाती है अपने एकेडमिक्स और खेल के लिए। और स्टार्टिंग 7 क्या दिया है? गणेश, आदित्य, सुमित, वैभव, अनुज, रोहित और शरद, सबका स्टार्ट करेंगे इस टीम। ऑन द फील्ड दे लव विनिंग एंड दे डोंट लीव अ मेस। Please welcome the juniors from MES Boys High School. ये है दूसरी टीम चौथे क्वार्टर फाइनल्स की। क्या इतिहास इस स्कूल का, 150 साल पुरानी स्कूल है ये पदम, बहुत बड़ी परंपरा है, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी, ऐसे ऐसे लोग इस स्कूल ने दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त। और सबसे बड़ा नाम है बाबा साहेब पुरंदरे का, मराठी के सबसे बड़े इतिहासकार। क्या ये बच्चे इतिहास रचेंगे इस चौथे क्वार्टर फाइनल में? यहाँ और सिद्धार्थ वर्मा और संदीप खरे भी एलुमनाई लिस्ट में शामिल हैं, तो तैयार हो गए हैं MES बॉयज हाई स्कूल। स्टार्टिंग 7 किस प्रकार से है? अथर्व रास्कर, श्रेयस सावंत, हर्ष टोम्बरे, रोहन जाधव, ओमकार कोहली, अभिजीत कोंडालकर और अनिकेत खैरमाउड़े। पहले तीनों ही क्वार्टर फाइनल्स में पदम हमने रेड टॉस जीतने के बाद चॉइस होते हुए देखी थी, ये कुछ अलग, और आते ही पहले 5 सेकंड में पॉइंट ले लिया। यहाँ और एटीट्यूड के साथ ले लिया, थोड़े से समय में हैंड टच बहुत ही शानदार। MES बॉयज हाई स्कूल खाता खोलते हुए हाई डिफेंस, उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए। ये है अब शिवराम पंत दामले प्रशाला स्कूल के रेडर सुमित नेट के। क्या बात, लेफ्ट कॉर्नर ने घात तक टैकल होल्ड किया। बढ़िया शुरुआत है, सीधा एंकल होल्ड, इतना मजबूत। 20 सेकंड ही आपको मिलते हैं रेड के लिए, 5-5 मिनट के दो। हां, कबड्डी जो आप देखते हैं वीवो प्रो कबड्डी, वहां पर आपको 30 सेकंड मिलते हैं, और एम्प्टी रेड का लुत्फ होता है, मगर हर रेड डू ऑर डाई रेड, इसलिए रेडर का खाता। क्वार्टर फाइनल नंबर 4 डिफेंस में पैक था, यानी के बोनस है, मगर उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर पर टोटच की कोशिश की, फिर दूसरे कॉर्नर में गए, फिर कवर की तरफ आए, दोबारा फिर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ गए। टाइम जाता हुआ, या पॉइंट ले चुके हैं, नहीं लेंगे तो बेंच पर ही जाएंगे। रेडर आउट। MES स्कूल
और ये ऑल आउट एक और, जी हाँ, टच करने के डिफेंडर को दो पॉइंट ऑल आउट के, तीन पॉइंट और, यानी कि लीड बढ़कर 9 पॉइंट्स की हो गई, 11 एमईएस बॉयज हाई स्कूल, उनके ओपोनेंट्स के पास सिर्फ 3 पॉइंट, 8 पॉइंट की बढ़त है, मगर एक हाफ केवड़ी जूनियर्स में दूसरे हाफ से जुदा हो सकता है। एमईएस बॉयज हाई स्कूल तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन लेट कैप्टन शिवराम पंत दामले पशाला को अपना जोश बढ़ाना होगा, मोमेंटम बढ़ाना होगा। डाइव लगाया, पॉजिटिव इंटेंट और डिफेंस का जबरदस्त सपोर्ट, और डाइव किसने लगाया, लेफ्ट इन से डाइव आई, नॉर्मली कॉर्नर्स डाइव लगाते हैं, मगर देखिए, ओ हो 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 हो, और उसके बाद सपोर्ट समय पे आता हुआ, 12-4 एमईएस बॉयज हाई स्कूल के पास, 8 पॉइंट की बढ़त, जो कि और बढ़ेगी, कम से कम 2 पॉइंट मिलने चाहिए, 2 पॉइंट मिल गए, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेट कैप्टन शिवराम पंत दामले प्रशाला ने दूसरे हाफ की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन यहां पर अनफोर्स्ड एरर, 2 मिनट का समय, 2 ही खिलाड़ी, सुपर टैकल ऑन, ऑल आउट की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जी हाँ, सफाया किया एक का, यानी कि खिलाड़ी अब कितने बचेंगे मैट पर, हम आपको दिखाएंगे, ये रिप्ले देखिए, एक ही बचेगा, एक टच लेकर गए, शानदार हैंड टच, और उनका उनकी निगाहें दूसरी तरफ भी थी, यानी कि आखिरी खिलाड़ी रेड करने आ गए हैं, और ये जुझारू है, 18-6 की बढ़त है, कबड्डी में कुछ भी हो सकता है, यहाँ बढ़िया एंकल होल्ड, यानी कि लीड अप हो जाएगी, 21-6 स्कोर लाइन हो जाएगा, छोटी हाइट बड़ी फाइट, सेमीफाइनल्स पुणे लग, ओ हो हो, ये सुपर रेड होगी कि नहीं होगी, 2 कम से कम मुझे नजर आ रहे पॉइंट, सुपर रेड, क्या बात, अंकित खैर मोड़े, कमाल, ABS बॉयज हाई स्कूल के कोच के चेहरे पर मुस्कान, और क्यों ना हो, कुल मिलाकर 9 पॉइंट इनके नाम है, मगर श्रेयस को भेजा गया है रेड करने के लिए, अनिकेत को क्यों नहीं भेजा, भेजना चाहिए था, सुपर 10 लगवाना चाहिए था यहां पर, ओ हो 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 हो, क्या जी हाँ, 5 पॉइंट की रेड, यानी 3 शिकार और 2 ऑल आउट के, और कितने बड़े टंके के साथ इस मुकाबले को खत्म ही किया, ऑल आउट के साथ, यानी कि उनका 24 पॉइंट से जीत, ये रेड बिल्कुल याद दिलाती है विकास कंडोला की, उस रेड की जहां पर उन्होंने कोशिश की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार वो कामयाब हो गए, शानदार फाइनल कॉन्फर्मेशन, 14 क्वार्टर फाइनल की, एमईएस बॉयज ने 30-6 से लेट कैप्टन एस दामले प्रशाला स्कूल को हराया।